जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंदिरा पोल्ट्री फार्मिंग में। दोस्तों, आज हमारे इस बर्ड का है तीसरा दिन, जो कि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया, आज तीसरा दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और सभी अपडेट आप लोगों से बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा चिक्स उस दिन काफ़ी छोटा छोटा था और फुर्तीला भी नहीं था, मगर आज देखिए इनके बीच कितनी फुर्ती हो चुकी है। और दोस्त, हमने सुबह के टाइम दिया था इन लोगों को विटामिन, ये बिमराल मेडिसिन के तौर पे बिमराल दिया था। 1000 बर्ड के लिए 50 से 60 ml समथिंग। और दोस्त, हमने आज पेपर निकालने वाले थे, मगर निकाले नहीं, कल के डेट में पेपर निकालेंगे हम। ये जो पेपर हटाएंगे इसको, हमारे चिक्स के बीच में काफ़ी फुर्ती आ चुकी है। ये जो 7:30 बजे करीब करीब इसी ड्रिंकर में हम बिमराल दिए थे, बिमराल मेडिसिन इसी ड्रिंकर में दिए थे, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 4 बजे शाम को फिर ये चेंज होगा और दूसरा मेडिसिन दिया जाएगा। और दोस्त, टेम्परेचर मेंटेन के लिए अभी भी हमने ये बल्ब जला रखा है, ताकि अभी भी चिक्स को 32-35 ये 30 से 35 डिग्री के बीच टेम्परेचर चाहिए इसको, तभी ये बल्ब हम दिन में जला कर रखें, तभी हमारे चिक्स इतने फुर्तीला से घूम रहा है, सब दौड़ रहा है। क्योंकि चिक्स जितना ही छोटा रहेगा उसको टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा चाहिए। चिक्स जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा टेम्परेचर उनका कम होते जाएगा। और दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 दिन में, यानी कि आज तीसरा दिन है, 3 दिन में हमारे फॉर्म में 1000 बर्ड में मोर्टेलिटी 4 हुई है, 4 यानी कि हमारे बर्ड मरे हुए हैं अभी तक, वो भी केवल रात को टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। इसीलिए हम 2400 घंटे ये बल्ब जला रहे हैं, जब भी लाइट आ रहा है ऑटोमेटिक जल रहा है ये बल्ब, इसी कारण की वजह से, ताकि टेम्परेचर बना रहे। जब भी दोस्तों फॉर्म में आने पे अगर गर्मी होता है तो इसका मतलब कि टेम्परेचर अच्छा है और चिक्स के लिए बेनिफिट होगा। मैं टेम्परेचर मीटर दिखा रहा हूँ, टेम्परेचर मीटर दोस्तों कितना बता रहा है देखिए, हमारे ये रहा डिजिटल टेम्परेचर मीटर, 36 डिग्री 36 डिग्री, यानी कि 30 से 35 के बीच 36 बहुत ही अच्छा है, इसीलिए चिक्स हमारा इतना फुर्तीला से घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर 2 दिन बाद, यानी कि 6ठे या 7ठे दिन जब वैक्सीन पड़ेगा तब उसी दिन का वीडियो अपलोड करेंगे हम। धन्यवाद।